अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी गाइस, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है अपनी मुख्तलिफ आर्टिकल से रिलेटेड। आज मैं आपको अपनी शॉप के तकरीबन हर जो रैक्स होते हैं वो उसको विज़िट कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ जो गिने चुने आर्टिकल्स होंगे उसके बारे में आपको मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको गाइस अपना जो बच्चों का रैक्स है, किड्स रैक्स, उसके बारे में मैं आपको विज़िट करवाता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं कुछ आर्टिकल्स इधर से पिक करूँगा और उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको किड्स का कलेक्शन दिखा देता हूँ। ये गाइस आप देख सकते हैं, माशाल्लाह हमारे पास किड्स की सैंडल्स की काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किड्स सैंडल्स है, बच्चों में जो सैंडल्स हैं काफ़ी अच्छी कलेक्शन हमारे पास पड़ी हुई है। लाइटिंग में ही पड़े हुए हैं ये, आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा हमारे पास सैंडल पड़ा हुआ है बच्चों में भी। उसके बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये आगे से जो बंद सैंडल होता है, कस्टमर्स अक्सर जो कस्टमर्स हमारे होते हैं वो उनको यही सैंडल चाहिए होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ लाइटिंग वाले भी सैंडल आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं गाइस। उसके बाद हमारे पास और भी मज़ीद लाइटिंग वाले सैंडल्स हैं जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद एक माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लुक में सैंडल हमारे पास अवेलेबल है किड्स का, उसके बाद बच्चों में। उसके बाद हमारे पास खेड़ियों के रैक्स जो आ जाते हैं, बच्चों की खेड़ियाँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अच्छी खेड़ी मेरे पास पड़ी हुई है। आप मेरी शॉप एक बार आएँ, इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी अपने बच्चों के लिए कलेक्शन मिलेगी, बेहतरीन कलेक्शन मेरे शॉप से आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ब्यूटीफुल सी कलेक्शन है मेरे पास बच्चों की खेड़ियों की, प्योर लेदर में बनी हुई है। ये मैं एक खेड़ी आपको चेक करवाता हूँ उठा के, ये आप गाइस देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो खेड़ी बनी हुई है। नीचे रबड़ सोल आ रहा है, उसके बाद अपर प्योर लेदर में आ रहा है और अंदर से एंड का इनर जो है ना वो मेडिकेटर स्टाफ आ रहा है। और सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ ये है कि ये मेडिकेटर स्टाफ में आ रही है, मीनिंग के प्योर लेदर में आ रही है और मेडिकेटर स्टाफ में आ रही है। बिकॉज बच्चों की जो जिल्द होती है वो काफ़ी नरम सी होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इस वजह से बच्चों के लिए जो चीज़ें होती हैं वो मेडिकेटर स्टाफ में लाजमी होनी चाहिए। बच्चों की जो जिल्द होती है काफ़ी नाजुक सी होती है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ब्यूटीफुल सी लग रही है ये खेड़ी। आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल सी लुक इसकी आ रही है, ब्लैक कलर इसमें आपको ब्राउन भी मिल जाएगा। उसके बाद एक मैं आपको और खेड़ी बच्चों की कलेक्शन के अंदर से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खेड़ी बनी हुई है, प्योर लेदर में बनी हुई है, उसके नीचे रबड़ सोल बना हुआ है, उसके बाद इनर जो इसका मेडिकेटर बना हुआ है, उसके बाद अपर प्योर लेदर में बना हुआ है। इसमें भी आपको दो कलर्स मिल जाएंगे, एक ब्लैक मिल जाएगा, एक ब्राउन मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और भी मज़ीद खेड़ियाँ दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं गाइस, माशाल्लाह हमारे पास ब्लैक में भी करीब पड़ी हुई है, उसके बाद हमारे पास नरोजी भी बच्चों की पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे पास नरोजी बच्चों की पड़ी हुई है, मस्टर्ड कलर में हमारे पास नरोजी बच्चों की पड़ी हुई है। देख सकते हैं गाइस माशाल्लाह काफ़ी ब्यूटीफुल सी लुक इसकी आ रही है, नरोजी में आ रही है, उसके बाद काफ़ी हल्की फुल्की सी है, लाइट वेट में है और प्योर लेदर में है, उसके बाद इनर इसका मेडिकेटर स्टाफ है। उसके बाद हमारे पास एक ग्रे कलर भी आ रहा है, ग्रे का जो बच्चों में आ रहा है, हमारे पास कलेक्शन आ रही है, काफ़ी अच्छी कलेक्शन आ रही है बच्चों में भी। उसके बाद ये भी इनर माशाल्लाह मेडिकेटर स्टाफ में बना हुआ है, नीचे रबड़ सोल है और अपर प्योर लेदर में बना हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ मज़ीद सैंडल्स की तरफ, बच्चों के जो हमारे पास मज़ीद माशाल्लाह सैंडल्स पड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे कलेक्शन में पड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अच्छी हमारे पास कलेक्शन पड़ी हुई है, लाइट वाले सैंडल भी पड़े हुए हैं, देख सकते हैं गाइस माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन हमारे पास पड़ी हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने बच्चियों के रैक के अंदर, जो किड्स की बच्ची हैं उनके जो रैक्स के अंदर आ जाते हैं। ये माशाल्लाह आपको मैं एक सैंडल दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा सैंडल है, काफ़ी अच्छी लुक इसकी आ रही है, बाटा का सैंडल है, बाटा का आर्टिकल है। बाटा का आर्टिकल रखने का मकसद ये है कि हमारे पास सर्वस ऑल ब्रांड शूज़ है, हम हर ब्रांड्स के अच्छे से अच्छा आर्टिकल पिक करते हैं और हमारे पास हम वो चीज़ रखते हैं ताकि कस्टमर आए और उनको अच्छी से अच्छी हमारी शॉप से कलेक्शन मिल सके। आप मेरी शॉप पे इंशाल्लाह एक बार विजिट करें, आपको अच्छी से अच्छी कलेक्शन मिल सकेगी। मेरी शॉप का एड्रेस नोट कर लें, सर्वस ऑल ब्रांड शूज़, नियर एम्पोरियम मॉल, तलाकांग रोड, चकवाल सिटी, चकवाल के अंदर मेरी शॉप है। और अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो आप मुझे अपनी जो ऑर्डर है वो अपना व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैंशन करता हूँ, अपनी शॉप का एड्रेस वगैरह मैंशन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे पास कलेक्शन पड़ी हुई है सैंडल्स की, बच्चियों के भी। ये मेरे पास काफ़ी ब्यूटीफुल सा सैंडल आया हुआ है, काफ़ी लाइट वेट में है, उसके बाद लाइटिंग वाला सैंडल है, काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है, देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है। उसके बाद हमारे पास मज़ीद जो मैं आपको एक कलेक्शन दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सैंडल बना हुआ है, ऊपर इसके स्टोन लगे हुए हैं, बच्चियों का सैंडल है, काफ़ी अच्छा अच्छी कलेक्शन हमारे पास पड़ी हुई है। उसके बाद हमारे पास माशाल्लाह ये एक सैंडल पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है। उसके बाद मैं आपको मज़ीद भी कुछ आर्टिकल दिखाता हूँ, बच्चों जो बच्चों के हैं वो भी
आपको दिखाता हूँ, मैं आपको फर्तन फर्तन हर आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगा, हर आर्टिकल के बारे में जो है ना वो विजिट भी करवाऊंगा। उसके बाद हम बच्चों के जो बड़े सैंडल्स हैं वो भी उसके बाद भी आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी थी कलेक्शन हमारे पास पड़ी हुई है, प्योर लेदर में पड़ी हुई है। उसके बाद अगर हम बच्चों की चप्पल्स के बारे में अगर मैं आपको विजिट करवाऊँ तो ये बच्चों की हमारे पास चप्पल पड़ी हुई है, ये भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छी चप्पल्स बनी हुई है। बाटा के आर्टिकल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन पड़ी हुई है हमारे पास। कालजा की सर्वस की आर्टिकल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, बच्चों की चप्पल के, बच्चियों की चप्पल्स भी हमारे पास पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन हमारे पास पड़ी हुई है। बच्चियों की चप्पल लीज़ा में ही है, उसके बाद बाटा के हमारे पास कुछ आर्टिकल पड़े हुए हैं, उसके बाद बच्चों के जो रैक्स हैं उसमें भी हमारे पास बाटा के और लीज़ा के और कालजा के कुछ आर्टिकल अच्छे अच्छे हमारे पास आर्टिकल पड़े हुए हैं। आप सबसे पहले मैं आपको ये एक चप्पल माशाल्लाह दिखाता हूँ, ये भी हमारा न्यू आर्टिकल आया कालजा का है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा आर्टिकल है, पीयू सोल में है और बड़ी अच्छी लुक इसकी आ रही है। उसके बाद एक ये हमारे पास न्यू आर्टिकल आया है, ये भी बच्चों का आर्टिकल है चप्पल का, काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है। उसके बाद काफ़ी ब्यूटीफुल सा आर्टिकल आ रहा है, उसके बाद इसमें आपको दो कलर्स मिल जाएंगे, एक ब्लू मिल जाएगा एक ब्राउन मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक बाटा का आर्टिकल दिखा देता हूँ, ये माशाल्लाह एक बाटा का आर्टिकल देख लें, इसमें आपको हर साइज़ मिल जाएगा, छोटा बड़ा साइज़ दोनों मिल जाएंगे, ये बाटा का आर्टिकल है, वाशेबल है। उसके बाद बच्चों का ये होता है कि बच्चे पानी वगैरह में यूज़ेबल जो चीज़ें कर लेते हैं तो वाशेबल चीज़ें इस वजह से उनको चाहिए होती हैं कि वो उनको आइडिया नहीं होता कि ये पानी में चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी, इसलिए हम बच्चों की जो चीज़ें होती हैं हम वाटरप्रूफ चीज़ें लेके आते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कालजा का आर्टिकल आया, अंगूठे वाली चप्पल आई है, ये भी काफ़ी अच्छी चप्पल है माशाल्लाह, काफ़ी ब्यूटीफुल सी इसकी लुक आ रही है। उसके बाद हमारे पास बाटा का एक और आर्टिकल आया है, ये भी बच्चों की चप्पल आ रही है, ये भी वाटरप्रूफ है। उसके बाद इनर इसका मेडिकेटर स्टफ में बना हुआ है, उसके बाद नीचे इसका रबड़ सोल बना हुआ है, अपर लेदर में बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो स्कूल शूज़ की कलेक्शन है बच्चों की वो भी हमारे पास पड़ी हुई है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी इसकी कलेक्शन हमने की हुई है स्कूल शूज़ की, लेसिस में भी की हुई है, विदाउट लेसिस भी की हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लेसिस में विदाउट लेसिस हर तरह के हमारे पास स्कूल शूज़ पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं गाइस माशाल्लाह, हर तरह की लुकिंग जो हमारे पास बच्चों के स्कूल शूज़ पड़े हुए हैं। मैं पहले आपको एक बच्चियों का आर्टिकल दिखाता हूँ, ये हमारे पास लीज़ा का आर्टिकल पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी इसकी अच्छी लुक आ रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल सी इसकी लुक आ रही है। ये बच्चियों का हमारे पास स्कूल शूज़ पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे पास लीज़ा का भी आर्टिकल पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है, ये लीज़ा का बच्चियों का आर्टिकल है स्कूल शूज़ का। उसके बाद हम अगर बच्चों के रैक्स के अंदर आ जाएं तो बच्चों का मैं आपको आर्टिकल कुछ दिखा देता हूँ, ये बच्चों का हमारे पास आर्टिकल है लेसिस वाला, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इसका लुक बनी हुई है। उसके बाद इसको ऑक्सफोर्ड शूज़ कहते हैं। उसके बाद इसके नीचे एक और ये इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये कंपनी की तरफ से स्टिच, अगर आपको कैमरे से अच्छा सा व्यू अगर आपको दिखाई दे तो ये कंपनी की तरफ से स्टिच हुई चीज़ आई है, बिकॉज के अगर बच्चे वगैरह वो रफ़ काफ़ी रफ़ यूज़ करते हैं तो इस वजह से अगर हम स्टिच चीज़ें जो है ना वो बच्चों के लिए प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो जितना का मर्ज़ी रफ़ यूज़ करें, हम उनको जो है ना वो अच्छी से अच्छी कलेक्शन देते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी मज़ीद आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये एक बच्चों का आर्टिकल पड़ा हुआ है, ये हमारे पास सर्वस का आर्टिकल है, सॉरी बाटा का आर्टिकल है। उसके बाद ये मैजिक वाला आर्टिकल हमारे पास पड़ा हुआ है, स्कूल शूज़ का मैजिक वाला आर्टिकल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है, मैजिक में है स्कूल शूज़। उसके बाद जो छोटी साइजिंग होगी वो हमारे पास होगी बच्चियों की, बच्चों की छोटी बड़ी साइजिंग दोनों अवेलेबल होंगी, आप देख सकते हैं स्कूल शूज़ की काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन हमारे पास पड़ी हुई है, छोटी और बड़ी साइजिंग दोनों साइजिंग अवेलेबल होंगी। उसके बाद आपको मैं एक और न्यू और यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आर्टिकल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये विदाउट लेसिस है और इसमें भी आपको बड़ी छोटी साइजिंग मिल जाएगी, बच्चों में बच्चियों में आपको जो भी साइज चाहिए वो मिल जाएगा। इसमें भी नीचे रबड़ सोल लगा हुआ है, उसके बाद स्टिच हुआ हुआ है कंपनी की तरफ से, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे का व्यू दिखाता हूँ, ये नीचे से स्टिच हुआ हुआ है। उसके बाद इनर इसका मेडिकेटर स्टाम में बना हुआ है। उसके बाद काफ़ी अच्छी हमारे पास कलेक्शन पड़ी हुई है बच्चों की, आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन हमारे पास है, बच्चों के स्कूल शूज़ की भी कलेक्शन पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे पास आर्टिकल पड़े हुए हैं। अगर स्कूल शूज़ में आपको छोटी या बड़ी जो भी साइजिंग चाहिए हो हम प्रोवाइड आपको करेंगे, छोटी बड़ी साइजिंग हर साइजिंग हमारे पास अवेलेबल होगी। स्कूल शूज़ भी अगर चाहिए तो हम मेरी शॉप पे इंशाल्लाह एक बार विजिट करें, मेरी शॉप का एड्रेस नोट कर लें, सर्वस आल ब्रांड शूज़ नियर एम्पोरियम मॉल तलाकंग रोड चकवाल। और अगर कोई आउट ऑफ सिटी चकवाल का कस्टमर है तो वो मुझे अपने मेरे जो वीडियो के अंदर व्हाट्सएप का नंबर होगा उस पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं और अपना एड्रेस जो है ना वो अपना सॉरी ऑर्डर जो है ना वो लिखवा सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप
कॉल कर दें, और अगर जो कोई सिटी चकवाल का कस्टमर है वो तो मेरी शॉप पे आए, मेरी शॉप पे आके इंशाल्लाह एक बार विजिट करें, इंशाल्लाह उनको अच्छी से अच्छी कलेक्शन मिलेगी स्कूल शूज़ में, बच्चों के सैंडल्स के अंदर, बच्चियों के सैंडल्स के अंदर भी अच्छी से अच्छी कलेक्शन मिलेगी। उसके बाद आपको मैं 1 मंथ इसके अपने हर आर्टिकल की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 1 मंथ हमको आपको हर आर्टिकल की वारंटी भी देंगे, 1 मंथ इसकी वारंटी होगी, क्लेम वारंटी होगी कि सोल क्रैक हो जाता है तो हम आपको हर आर्टिकल जो है ना वो उसी टाइम चेंज करके देंगे, अगर सोल क्रैक हो जाता है तो हम उसी टाइम चेंज करके देंगे। और अगर गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बिकॉज शेयर करने का मकसद ये है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक पहुँचे और मेरी शॉप पे आके वो अच्छी सच्ची चीज़ पिक कर सकें।